बरेली नगर निकाय चुनाव वार्ड 33 में एक अलग रुझान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बनखड़ी नाथ वार्ड 33 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी कमलेश राठौर का टिकट कटने के बाद वह निर्दलीय चुनावी मैदान में चुनाव चिन्ह कार का निशान लेकर जनता के बीच लगातार जनसंपर्क करेंगे। वहीं क्षेत्र की जनता द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि इस बार वह निर्दलीय प्रत्याशी को ही अपना मतदान देकर विजयी बनाएंगे, जिसको लेकर प्रेमशंकर राठौर ने चुनावी ग्राउंड को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में अपने 26 निष्ठावान कार्यकर्ताओं को घर घर लगाकर प्रचार प्रसार उमेश सभी प्रत्याशी को पीछे छोड़ दिया है। वहीं वार्ड 33 बनखड़ी नाथ से भाजपा प्रत्याशी मीनू राठौर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी लोगों का रुख भाजपा की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश राठौर ने चुनाव चिन्ह कार को लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं प्रेमशंकर राठौर की तरफ वन मंत्री अरुण कुमार का आशीर्वाद प्राप्त होने से समीकरण और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें साफ हैं। आइए जाने क्या कुछ कहा वार्ड 33 बनखड़ी नाथ से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि प्रेमशंकर राठौर ने। मतदान होने को है और क्या तैयारी है इनकी, क्या कहेंगे? किस तरीके की तैयारी चल रही है? बस एकदम बढ़िया तैयारी है और सारी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और कहीं मुझे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैंने पार्टी के लिए बहुत काम करा था, लेकिन कुछ लोगों ने एंड टाइम पे मेरा टिकट कटवा दिया और कटवाने से जो है पार्टी का टिकट नहीं है, तो मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ और निर्दलीय लड़ने से मुझे सभी समाज का, हिंदू मुसलमान का ही मिले पूरा समर्थन मिल गया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस समय मेरा चुनाव बढ़िया चल रहा है, जनता मेरे साथ है और मुझे किसी बात का ऐसा संकोच नहीं है कि साहब मेरे कहीं दिक्कत है, क्योंकि मेरा टिकट कटने से जनता मेरे लिए एक एक हो गई, क्योंकि मैंने बहुत काम करा अपने क्षेत्र की जनता के लिए। आधार कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं, आयुष्मान भारत का जो मिशन है वो मैंने करा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का मैंने काम करा है और सब निःशुल्क करा है। कोई मेरे क्षेत्र की जनता मुझे कह नहीं सकती कि मेरा मैंने क्षेत्र की जनता एकदम बिल्कुल ईमानदारी से काम करा है। ईमानदारी की जीत है आज, सच की जीत हो रही है आज। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता आपकी? जनता एक सम्मानित प्रत्याशी के रूप में मुझे देख रही है और मुझे एहसास हो रहा है आपकी मैं बहुत हजारों वोटों से जीतूंगा। जनता मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मेरा एंड टाइम पे टिकट कटवाया, वो गलत लोगों ने कटवाया है, उसको जनता हजम नहीं कर रही है और हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई धोखा हुआ है। जनता ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को जनता लताड़ेगी, जनता के बीच में हम, जनता के लिए ऑप्शन है। अगर मैं नहीं लड़ता तो जनता के पास ऑप्शन नहीं होता। आज मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने जनता की सेवा की है। सन 2012 से आज तक मैं जनता की सेवा ही करता चला है।